हे फ्रेंड्स वेलकम बैक इस वीडियो के अंदर आलती इंडस्ट्रीज का करंट चार्ट पैटर्न और क्यू टू रिजल्ट के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फिनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं तो सारा का सारा वीडियो चैनल के प्ले के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्ले का लिंक आपको मिल जाएगा तो चलिए सीखते हैं एक साथ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये अर्थी इंडस्ट्रीज का वनडे का चार्ट है वनडे के चार्ट में ये लगातार एक बुल ट्रेंड के अंदर है और यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने अपने बुल ट्रेन लाइन को ब्रेक किया है मगर उससे भी पहले यहाँ पे आफ्टर कोरोना इसका और एक बुलटेन स्टार्ट हुआ था जिसके बाद यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम इसे ब्रेक किया ब्रेकआउट के बाद आप जानते हैं टू लेग फॉर्मेशन के साथ वो नीचे आने की कोशिश करता है तो यहाँ पे फर्स्ट लेग से इसने ब्रेकआउट किया है और सेकेंड लेग से ये यह नीचे यहाँ पे सपोर्ट तक आके यहाँ पे करेंटली फ्लोट कर रहा है तो यहाँ पे हाईली चांसेस है कि यहाँ से एक पुल बैक या यहाँ से एक रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट हो और यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम थ्री लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आया था और उसके बाद के बाद यानी तुले एक बैक के बाद यह एक, एक स्पाइक एंड चैनल के थ्रू नीचे आया और एक स्पाइकल चैनल का जहां से चैनल स्टार्ट होता है वहां तक प्राइस जाने का हाई प्रोबेबिलिटी रहता है तो यहां पे करंट सिचुएशन में अगर आपके पास कंपनी का शेयर स्विंग पोजीशन के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए है तो यहां पे किस तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज करना चाहिए तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन का ये मूव है मोर देन टेन के आसपास और यहाँ पे करेंट सिचुएशन में कंपनी का शेयर ऊपर अपने हाई के आसपास फ्लोट कर रहा है तो ये बॉडी भी यहाँ पे काफी हद तक स्ट्रांग है तो आने वाले टाइम पे ये हो सकता है कंपनी का शेयर प्राइस यहां पे एक बार और जाए और उसके बाद यहां पे थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद फिर हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश करे तो इसी वजह से यहां पे जो करेंट स्टॉप लॉस बन रहा है 474 के आसपास यानी ये जो बार है इसके इमीडिएट नीचे और फर्स्ट जो यहाँ पे टेक प्रॉफिट बन रहा है 519 के आसपास जो कि है इस पॉइंट के आसपास और यहाँ पे उसके बाद इसे अगर तोड़ के अगर ये ऊपर जाता है तो ये आज के कैंडल का जितना भी बॉडी का प्राइस मूवमेंट है ऊपर अगर हम लोग उतना ही कैलकुलेट करते हैं तो 539 या 40 के आसपास आता है कंजर्वेटिव बॉय से 539 हम लोग सेकेंड टेक प्रॉफिट रखते हैं उसके टाइम पे यानी ये जब प्राइस ऊपर जाएगा किसी भी बीच में अगर यह एक हाई मोमेंटम के साथ रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करके नीचे आने की कोशिश करता है तो वहां से भी हम लोग एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि पिछले टाइम का अगर हम लोग थोड़ा सा डेटा देखें तो इसने मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिवर्स करने की कोशिश किया है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डबल बॉटम के साथ यानी एक लोअर बॉटम के साथ ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है मगर सस्टेन नहीं कर पाया है फिर ये नीचे आ गया है यहाँ पे और एक आइडेंटिकल डबल बॉटम के साथ ये पिछले टाइम के हाई के आसपास जाके फिर रिवर्स करने की कोशिश किया है और यहाँ पे करेंटली फ्लोट कर रहा है तो इसी का एक कंसर्न है कि कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आने की कोशिश करे क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग रेंज के अंदर है और ट्रेडिंग रेंज के अंदर ऊपर जनरली एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस पॉइंट होता है और नीचे जनरली एक अच्छा खासा सपोर्ट होता है तो मल्टीपल टाइम आप देख सकते हैं इसी सपोर्ट के आसपास आके ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो यहां पे ये भी हो सकता है यहां से रिवर्स करने की भी कोशिश करे तो यहाँ पे इसी वजह से अगर करेंटली आपके पास कोई भी पोजीशन नहीं है अगर आप यहाँ पे नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आगे का जो ये बार है ये बहुत बड़ा है तो इसी वजह से यहाँ पे अगर आप कोई नया पोजीशन लेते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लेना चाहिए अगर ये अगले ही दिन यहाँ पे छोटा छोटा एक दो बार क्रिएट करके फिर ये नीचे आने की कोशिश करता है और एक अच्छा खासा पुल बैक क्रिएट करता है उसके बाद ये पुल बैक को तोड़ के ऊपर जाके सस्टेन करता है और थोड़ा सा फिर नीचे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे आपके लिए नया स्विंग पोजीशन बनेगा और ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा और यहाँ पे फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपके लिए वो ही फाइव के आसपास रहेगा और उसके बाद 539 के आसपास और यहाँ पे आपको वन इच टू टू के आसपास भी प्रॉफिट मिलने लगेगा और यहाँ पे 519 के आसपास आपको वन इज टू वन का भी मगर करेंट सिचुएशन में अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे वन इज टू वन भी आपके लिए नहीं मिलेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना आपके लिए बेहतर होगा अगर करेंटली आप होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे कंपनी का शेयर स्विंग पोजीशन तो यहाँ पे 519 के आसपास आपको आसपास टू 60 परसेंट सेल कर लेना चाहिए क्योंकि अगर आपके पास छोटा सा टेक प्रॉफिट रहेगा और छोटा सा पोजीशन और आप होल्ड करने के साथ साथ बिग प्रॉफिट के लिए खेलेंगे तो यहाँ पे आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगा यानी आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा तो यहाँ पे फिफ्टी टू सिक्सटी सेल करने के बाद यहाँ पे अगर ये कंसोलीडेट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ से स्टॉप लॉस को लेकर ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे डाल देना है क्योंकि ये इस तरीके से अगर आप टेल करते जाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और टेक प्रॉफिट बहुत बड़ा हो जाएगा और ऊपर जब फिर से ये कंसोलिडेट करके शेयर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा और पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के प्राइस ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से भी स्टॉप लॉस को लेकर ये जो नया स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे डाल देंगे और अगर कंपनी के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना के रखे हैं तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को तो आपको जरूर देखना चाहिए यहाँ पे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के अंदर आप यहाँ पे सितंबर का रिजल्ट देखिए पिछले क्वार्टर से इसका रेवेन्यू बढ़ा है मगर पिछले साल के सेप्टेंबर के क्वार्टर से इसका रेवेन्यू घट गया है और यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है पिछले क्वार्टर और पिछले साल के क्वार्टर से भी मगर पिछले साल के क्वार्टर से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गया है इंटरेस्ट पेबल कंपनी का बढ़ गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और यहाँ पे नेट प्रॉफिट के अंदर भी सेम हाल है पिछले क्वार्टर से ये इंक्रीज हुआ है पिछले साल के क्वार्टर से ये डिक्रीज हुआ है कंपनी के ईयर ऑन ईयर रिजल्ट के अंदर अच्छे तरीके से इसने रेवेन्यू को इंक्रीज किया है मगर कोरोना के टाइम पे ये थोड़ा सा गिर गया था क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्बन के वजह से इसका एक्सपोर्ट बंद हो गया था या बहुत सारे कंपनी के अंदर एक्सपोर्ट बंद हो गया था उसके बाद इसने लगातार अपने रेवेन्यू को इंक्रीज किया है मगर करेंटली टू ईयर में इसका रेवेन्यू बहुत अच्छे तरीके से गिर रहा है तो हो सकता है यह

इसके साथ साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी गिर रहा है इंटरेस्ट रेबल कंपनी का लगातार बढ़ रहा है तो ये हाई इन्फ्लेशन की वजह से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ गया है इस वजह से भी हो सकता है नेट प्रॉफिट के अंदर भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है तो इस तरीके से अगर नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिलता है तो आर के अंदर उसका इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं आर लगातार गिर रहा है उसके साथ साथ कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो भी यहाँ पे अच्छे तरीके से बढ़ रहा है तो इसका सिंपली मतलब है कंपनी का जो लॉन्ग टर्म डेट है ये थोड़ा सा बढ़ रहा है कंपनी का यहाँ पे बुक वैल्यू अच्छे तरीके से बढ़ रहा था मगर मार्च 2019 में इसने बोनस इशू किया था इसलिए बुक वैल्यू गिर गया उसके साथ साथ मार्च टू में भी इसने बोनस इशू किया था और करंट ईयर में कौन सा कौन सा यहाँ पे इवेंट हुआ है वो आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए उसके बाद ही कंपनी के अंदर इन्वेस्टर रहना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना चाहिए तो एज पर करेंट क्वार्टर के बेसिस पे मुझे यहाँ पे लगता है कंपनी के शेयर के अंदर बाई होना चाहिए और यहाँ पे एक सपोर्ट से भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे एज पर टेक्निकल अगर ये अपटर पुल बैक थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर जाके फिर एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है यानी कि मुद्दा मामला है एक हायर बॉटम के साथ ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं या आपका लॉन्ग टर्म पोजीशन थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते हैं तो यहाँ से स्टार्टिंग से आपको प्रॉफिट मिलने लगेगा और इसके साथ साथ फाइव के लेवल को भी आप यहाँ पे देखते रहिएगा क्लोजली क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम इसने ऊपर जाने की कोशिश किया है मगर यहाँ पे टच करके ये नीचे चला आया है तो इसका जो लास्ट यहाँ पे रिवर्सल का जो स्पाइक था या स्विंग हाई था वो 572 के आसपास था तो इसे तोड़ के अगर ऊपर जाके सस्टेन करके ये फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे ये एक प्रॉपर बुलट्रेन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है इसके बाद इसका जो मूव है वो एट और उसके साथ साथ नाइन तक भी जा सकता है और उसे अगर तोड़ के यहाँ पे सस्टेन करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे इलेवन तक भी जा सकता है ट्वेल्व के आसपास भी ये जा सकता है फ्यूचर में मगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का फंडामेंटल मैनेजमेंट एनालिसिस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर में कब कंपनी से निकलना है वो एज पर फंडामेंटल टेक्निकल और फाइनेंशियल आपको पहले से पता होगा तो आपको फ्यूचर में ज्यादा लॉस नहीं होगा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके कर रखिए क्योंकि क्विकली अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के बारे में तो वहाँ ही पहले अपडेट किया जाता है क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है आप जाकर ज्वाइन कर करके रख सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग